नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारतवर्ष खबर। मैं हूं आपके साथ अंजलि आर्या। वाराणसी सिगरा थाना क्षेत्र के संत रघुवर नगर कॉलोनी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब दत्ता डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर सपना गुप्ता दत्ता के सिर पर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी गई। आरोपी देवर अनिल कुमार दत्ता ने वारदात के बाद सिगरा थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने घायल अवस्था में महिला डॉक्टर को मलदहिया स्थित एक निजी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर SP चेतगंज नीतीश प्रताप सिंह और सिगरा प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद में हत्या हुई है। आरोपी देवर अनिल कुमार दत्ता ने बताया कि मेरे माता पिता बीमार हैं और वो भाभी के साथ रहते हैं। मैं विश्वनाथ गली के मकान में रहता था। मैं रोज़ अपने माता पिता को देखने आता था, आज भी आया था। उस समय मेरी भाभी ने मुझे नपुंसक कहा, जिससे मैंने उनके सर पर हथौड़ा और कैंची से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और मैं वहां से थाने आ गया। फिलहाल पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथौड़ी और कैंचे को कब्जे में लेकर तथा हत्या आरोपी देवर को गिरफ्तार करते हुए जाँच शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंचे DCP वरुणा जोन विक्रांत ने बताया कि पुलिस को डायल 112 पर किसी ने सूचना दी कि एक महिला है सपना दत्ता, किसी ने उनके ऊपर किसी से प्रहार किया है और वे गंभीर रूप से घायल हैं। यहां पुलिस आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी मौत हो गई है। महिला ने देवर अनिल दत्ता को मौके से कस्टडी में लिया है और उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं डॉक्टर दत्ता द्वारा 2 दिन पहले की गई FIR पर उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अनिल कुमार दत्ता, पिताजी का नाम डॉक्टर रजनीकांत दत्ता, मैं विश्वनाथ गली में शकरगंज गली में रहता हूँ और अपने माता पिताजी मेरे बीमार हैं, उनसे मैं मिलने संत रघुवर नगर कॉलोनी रोज आता हूँ। आज क्या हुआ सर? आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने आए पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है और जोर जोर उसके हंसने लगी, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया, हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। तो क्यों, तुमको क्या कही है? नपुंसक कहती थी आए दिन की, इसका बड़ा भाई भी नपुंसक था, ये भी नपुंसक है। कौन कहता था? मेरी भाभी डॉक्टर सपना दत्ता। तो तुम इसी बात को मारती है फिर? जी सर, जी सर, बिल्कुल इसी बात पे पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं किसी कहने पे नहीं किया है। किस चीज से मारे हो? हथौड़ी से सर और कैंची से सर। कैंची से? कहाँ चोट लगी है? सर सर पे लगी है। हाँ जी सर। देखिए, वाराणसी कमिश्नरेट का ये सिगरा थाना क्षेत्र है। डायल 112 पर यह सूचना मिली थी कि एक महिला हैं सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है जो कि गंभीर अवस्था में है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है, तो ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमर फेस से अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला है उनकी मृत्यु हो गई है। और आगे हम जो हमारी हिरासत में जो अनिल दत्ता हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। FSL की टीम मौके पर आ रही है, हम अन्य साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं, CCTV फुटेज को देखा जा रहा है और इसका विधिक निस्तारण कर दिया जाए। क्या है पारिवारिक विवाद है, संपत्ति विवाद है, क्या है? देखिए, अनिल दत्ता आपसी भी विवाद का विवाद बता रहे हैं, जिन्होंने अपना जुर्म इकबाल भी किया है वो इनके देवर लगते हैं और इनसे आप पूछताछ अभी चल रही है थाने। तो ये 2 दिन पहले इन्होंने अंजलि दत्ता ने सिगरा थाने में शिकायत करा दी, उसके बाद से पुलिस ने क्या उन पहलुओं पर भी जाँच की जाएगी।